हेलो गाइज, हेरी रेसलमोल। दोस्तों, क्या आपकी और आपके दोस्तों की कभी ऐसी बहस हुई है कि WWE रियल है या फेक है? क्या WWE में जो ब्लड बहता है वो भी फेक रहता है? तो दोस्तों, आज हमें खुद महाबली शेरा बताएंगे WWE की रियलिटी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, महाबली शेरा ने WWE के बारे में काफी सारी बातें कही है। दोस्तों, पंजाबी टेशन नाम के एक चैनल पे महाबली शेरा का इंटरव्यू हुआ है, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू है पंजाबी लैंग्वेज में। तो मैं आज आपको महाबली शेरा का इंटरव्यू पूरा हिंदी में सुनाऊंगा। दोस्तों, पंजाबी टेशन के इंटरव्यूअर ने महाबली शेरा को पूछा है कि WWE का लॉन्ग फॉर्म तो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, तो क्या ये सच में एक एंटरटेनमेंट शो है, क्या ये कॉमेडी है, या ये सच में कोई स्पोर्ट है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट भी ये फेक है या स्क्रिप्टेड हुंदा? ये क्वेश्चन थोड़ा जा ये तुसी क्लियर करो कि तुसी अंदर है इस चीज। दोस्तों, इस पे महाबली शेरा का जवाब रहा कि इंडिया में काफी लोग WWE के बारे में काफी कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फेक है। दोस्तों, शेरा ने कहा कि ये रियल है या फेक है, इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि इसमें जो रेसलर्स लड़ते हैं वो लाइव ऑडियंस के सामने लड़ते हैं, जहाँ पे उनके लड़ने के पहले उनकी काफी सारी ट्रेनिंग होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हुआ रहता है। दोस्तों, महाबली शेरा बोले, मेरे सामने आज तक कई सारे रेसलर गिर चुके हैं, कई सारे रेसलर्स इंजोर हुए हैं, मेरे सामने लोगों की हड्डियां टूटी है, हाथ पैर टूटे हैं, सर में कंक्लूजन हुआ है, कुछ रेसलर्स गर्दन पे गिर गए हैं, उनका पूरा करियर खराब हुआ है। ऐसे काफी सारी इंजुरीज के बारे में महाबली शेरा ने बताया। गिरते हैं, मेरे सामने लोगों दियां हड्डियां टूट दियां, हाथ टूट दिया, सिर दे विच कंकशन हो गया, बंदा गर्दन पर ने गिर गया, ठीक है, कई दी गर्दन टूट गई, कई दी मौत भी हुई है मेरे सामने। आई कैन मतलब मैं इदा खुद इदा एग्जांपल है। दोस्तों, बाद में शेरा बोले कि हमारी भी ऐसी ही हार्ड प्रैक्टिस होती है जैसे आर्मी के फील्ड में उनकी प्रैक्टिस होती है, वैसे ही रेसलिंग की फील्ड में हमारी भी ऐसी ही प्रैक्टिस होती है जो एक नॉर्मल बंदा कभी भी नहीं कर सकता। दोस्तों, महाबली शेरा ने कहा कि ये जो स्पोर्ट्स है वो कबड्डी से भी ज्यादा या कुश्ती से भी ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे हमें रिंग में लाइव ऑडियंस के सामने लड़ना पड़ता है, जहाँ पे कोई भी रिटेक नहीं होता, जो भी करना है बस एक बार करना है, ठीक है। आर्मी की प्रैक्टिस होती है जी, आर्मी दे विच किस तरह दो एक्सरसाइज कर, नॉर्मल बंदा कर लेगा, कदे भी नहीं कर पाएगा, और उन्होंने पता होंगे भी कितने केड़ा ऐसी एक्शन लेना, रिएक्शन लेना। इस तरह ही साड़ी ट्रेनिंग होती है, साड़ी स्पोर्ट्स जिहड़ी है बहुत हार्ड है, कबड्डी नो ज़्यादा, तुसी कुश्ती नो ज़्यादा कुछ। दोस्तों, एग्जाम्पल देने के लिए महाबली शेरा ने यहाँ पे पंजाबी टेशन के इंटरव्यूअर को एक मुक्का भी मार के दिखाया। हुण तुहानू मैं इत्थों फड़िया ऐ करके, हुण थोड़े इत्थे मारो ऐ करके, दसो वी फेक है कि रियल है, हुण लग्गिया कि नहीं लग्गिया, हुण आ चीज़। बाद में उनको पूछा गया कि आपको लगा कि नहीं लगा, तो दोस्तों उस इंटरव्यूअर को वो मुक्का सच में लगा था और उन्होंने वैसा बता भी दिया। दोस्तों, इसके बाद महाबली शेरा बोले, इतना हार्डवर्क करके भी लोग इसको फेक बोलते हैं, तो ये बात हमें बहुत हर्ट होती है। दोस्तों, महाबली शेरा ने स्पेशली उनका नजरिया बताया जब वो रिंग में उतरते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा, जब बॉर्डर पे कोई सोल्जर या आर्मी मैन खड़ा रहता है देश की सेवा करने के लिए, उसका उस वक्त जो नजरिया होता है वही नजरिया मेरा रहता है जब मैं रिंग में उतरता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो एक फौजी है, देश दा बंदा, वो हुण देश ते उते बॉर्डर ते खड़ा कुर्बानी दे रहा, तो आप कहने एवं खड़े रहते रफलां लेके यार, ठीक है, बट उन्हें पता है कि वो किस तरह खड़ा होया, कि उसके लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं, वो देश नूं रिप्रेजेंट कर रहा। जो मैं खेड़दा, मैं इस नजरिए ना खेड़दा। तो दोस्तों, महाबली शेरा का आंसर कुछ ऐसा था WWE के रियलिटी के बारे में। दोस्तों, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि WWE स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन दोस्तों उनमें जो रेसलर्स परफॉर्म करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो सच में काबिले तारीफ होता है। तो दोस्तों, हमें प्रो रेसलर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।